प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने सर्किट हाउस के सभागार में श्रम विभाग की योजनाओं की मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए दिन निर्धारित कर उसका प्रचार प्रसार करते हुए प्रति माह कैंपों का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि सेस वसूली के लिए और अतिरिक्त प्रयास किया जाए तथा जनहित गारंटी अधिनियम में आए आवेदनों का समय से निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन कार्य भी नियमित रूप से करते हुए औद्योगिक प्रतिष्ठानों की जांच भी करें, श्रमिकों के लिए शेल्टर होम बनाने के लिए कार्य योजना भी बनाकर भेजा जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 8,40,00,000 श्रमिक ई श्रम में श्रमिक पंजीकृत हैं, जिन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने बाल श्रम चिन्हांकन, शैक्षिक पुनर्वासन, बाल श्रमिक विद्या योजना, नया सवेरा योजना, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम से अधिष्ठान पंजीकरण, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम में श्रमिकों के पंजीकरण की स्थिति, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, श्रमिकों के आयुष्मान भारत योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में गोल्डन कार्ड बनाने की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा, ठीक है ना, वो हम अलग भाई हमारी रहती हुई है, आठ दिन सब आप लोगों ने काम किया, लगातार जाके आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। अब जब भारत सरकार हमारे साथ आता है सिलेक्ट कर लेंगे तो हम उसको सोचा गलत लोगों को निकालेंगे कहते हैं, लेकिन 2024 से पहले निकाल कर लेंगे, ठीक है ना। हम जिसका भी नाम काटने लगे कि वो नाराज हो, तो किसी भी सूरत में हम उनको नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाले में भी हो रही है, होगी तो स्वाभाविक है। मतलब आप मतलब वो आप उनको छटनी कहाँ करेंगे, उनको निकालेंगे कहाँ, ये बात भूल जाएंगे। 1 करोड़ ऊपर से आने वाला है, लाभ इनको दीजिए, बड़ी साफ बात। तो इन बातों की समीक्षा करना बहुत अनिवार्य है। जो हमारा सेस कलेक्शन है, जो श्रमिकों से जुड़े हुए जो मुकदमे हैं उनके निस्तारण को लेकर जो 15-16 योजनाएं विभाग चलाता है श्रमिकों के हित में, उन बिंदुओं पर, उन योजनाओं पर, ऐसे तमाम बातों को लेकर हम लोगों ने चर्चा की है।